दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, घर चलाने की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पैसों के प्रबंधन के मामले में जन्मजात माहिर होती है। लेकिन अगर आप पैसों के प्रबंधन को लेकर कुछ उलझन में हैं, कुछ दिक्कत महसूस कर रही हैं, तो इस एपिसोड से आपकी उलझन, आपकी दिक्कत जरूर दूर हो जाएगी। इस एपिसोड में हम आपको आगे पैसों के प्रबंधन को लेकर 5 शानदार टिप्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है कि आपके किसी जान पहचान को इससे फायदा पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला काम करना है वह है अपने नाम पर बैंक खाता जरूर खुलवाएं। पोस्ट ऑफिस, बड़े बड़े बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवा सकती हैं। घर बैठे बैठे खाता खुलवा सकती हैं या बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में भी जाकर खाता खुलवा सकती हैं। हाँ, इससे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर बनवा लें। आजकल घर बैठे बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर पर बैंक से जुड़े काम आप आसानी से कर सकती हैं। जैसे FD या RD करवाना हो या फिर FD या RD बंद करवाना हो, सब कुछ आप मोबाइल से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो बैंक खाता जरूर खुलवा लें, सबसे पहला काम। दूसरा काम जो आपको करना है वह है पैसा बचाना शुरू कर दें। आप कमाती हैं तो उसमें बचाना शुरू करें, या फिर आप घर में रहती हैं तो आपको घर चलाने के लिए जो पैसे मिलते हैं उसमें से बचाएं। पैसा बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले पैसे बचा ले कुछ और उसके बाद बचे हुए पैसे को खर्च करें। हालांकि कुछ महिलाओं की शिकायत हो सकती है कि महंगाई की वजह से पैसे बचाना मुश्किल है, तो वैसी महिलाओं के लिए मैं फूल और फूल का हार बेचने वाली एक महिला की कहानी सुनाता हूं जो मेरे ही पड़ोस में बिजनेस करती हैं। एक दिन जब मैं उनकी दुकान से गुजर रहा था तो वो महिला किसी दूसरी महिला को बता रही थी कि वो हर दिन अपनी कमाई में से 50 रुपये या 100 रुपये बचाकर उसे बैंक में जमा कर देती हैं और फिर उसका RD या FD कर देती हैं। महिला ने यह भी बताया कि कोरोना लॉकडाउन के समय उनका यही पैसा काम आया। तो आप इस महिला से कुछ सीख सकते हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वह है बचे हुए पैसे को बैंक या पोस्ट ऑफिस में, जहां आपका खाता है वहां जमा कर दें। और सिर्फ जमा ही नहीं करें बल्कि उसका FD या RD कर दें या फिर ज्यादा ब्याज देने वाली किसी स्कीम में उसे निवेश कर दें, क्योंकि FD या RD में सेविंग्स खाते के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। और FD या RD आम लोगों के लिए पैसे बचाने और उससे ज्यादा पैसे कमाने का सबसे आसान और सुरक्षित जरिया भी होता है। अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से इसकी जानकारी ले लें, या फिर आजकल हर किसी के हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल है, इंटरनेट के जरिए इन सब चीज के बारे में जानकारी आप ले सकती हैं। चौथा काम जो आपको करना है वह है FD RD के साथ ही दूसरे निवेश साधनों जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश साधनों के बारे में भी जानकारी हासिल करके उसमें पैसे लगाना शुरू कर दें। हालांकि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना रिस्की होता है, लेकिन अगर आप अच्छे शेयरों और अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। FD और RD से जो रिटर्न मिलता है उससे महंगाई को आप मात नहीं दे सकते हैं, लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड से आप जो कमाई करते हैं उससे आप महंगाई को मात दे सकते हैं, अगर लंबे समय तक शेयर और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर रखें तब। लेकिन किसी भी शेयर या किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले आप उसके बारे में जानकारी ले लें या प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और पांचवा काम जो आपको करना है वह है फाइनेंशियल प्लान, यानी वित्तीय प्लान तैयार करना, जिसमें रिटायर फंड, छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए। इसके लिए आप किसी भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार की मदद लें तो बेहतर होगा। फाइनेंशियल प्लान के तहत ही लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना मत भूलिएगा। तो इस तरह से आप 5 काम जरूर कर लें जो कि पैसों से जुड़े हुए हैं और आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप परिवार के साथ बेफिक्र होकर जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तब। तो 5 काम कौन कौन से है फिर से मैं आपको बता देता हूं। पहला है अपने नाम पर बैंक खाता जरूर खुलवाएं। दूसरा है पहले पैसा बचाएं फिर खर्च करने के बारे में सोचें। तीसरा है पैसे को बैंक या पोस्ट ऑफिस में FD या RD या ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम में निवेश कर दें। चौथा है शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की निवेश साधनों के बारे में जानकारी हासिल करें, यहां पर ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। और पांचवा है फाइनेंशियल प्लान यानी वित्तीय प्लान जरूर तैयार करें। तो ये 5 काम आप कर लीजिए जो कि पैसों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बदलते जमाने के साथ महिलाओं के लिए पैसों से जुड़े 5 काम करना बहुत ही जरूरी है।
ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं अक्सर खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देती है, लेकिन जानकार बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा बचत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं की कमाई पुरुषों के मुकाबले कम होती है, सैलरी में फर्क होता है, महिलाओं की कामकाजी यानी बाहर जाकर काम करने की उम्र भी पुरुषों के मुकाबले कम होती है। इसके अलावा महिलाओं की अधिक औसत उम्र पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है, यानी ज्यादा लंबे समय तक महिलाओं को पैसे की जरूरत होती है। अब सामाजिक ताना बाना भी बदल रहा है, महिलाएं भी करियर पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, घर परिवार टूटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में महिलाओं पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए महिलाओं को ज्यादा बचत करनी चाहिए, ज्यादा निवेश करना चाहिए। इसके बारे में कोई पूर्वानुमान तो नहीं लगा सकते हैं, हो सकता है कि आप अकेली रह जाए या आपकी शादी कामयाब नहीं रहे, या यह भी हो सकता है कि आप बच्चों के साथ अकेले ही जीवन बिताने की स्थिति में आ जाएं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक रिटायरमेंट फंड की जरूरत पड़ेगी। देश में स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते खर्च को देखते हुए महिलाओं का रिटायरमेंट फंड बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। तो अगर आपने पैसों से जुड़े ये पांच काम की शुरुआत नहीं की है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप ये काम शुरू कर सकती हैं। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं लिखिएगा हमें तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दोस्तों, ये मेरी सात किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन सात किताबों में से पांच किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।